हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से ये नींबू पड़ा पड़ा सूख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। तो आज हम इससे नींबू कड़ी बनाएंगे। हमने इस नींबू को काट करके उससे रस निचोड़ लिया है। दो मध्यम आकार के प्याजों को जो है मोटे आकार में काट लिया है। तड़के के लिए हींग, अजवाइन, कसूरी मेथी, सूखी लहसुन की पत्तियाँ, लहसुन की कलियाँ, कड़ी पत्ता, जीरा, मेथी दाना और जख्या रख लिया है। अब हम एक डोंगे में 2 चम्मच बेसन लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसको चम्मच की सहायता से अच्छी प्रकार से फेंट लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, ध्यान रहे कि इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, अच्छी प्रकार से इसको फेंटा जाना चाहिए, अन्यथा कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, बेसन को मैंने चम्मच की सहायता से अच्छी प्रकार से फेंट लिया। अब इसमें करीब 1 कप पानी मिला करके उसको अच्छी प्रकार से घोल बना करके रख लिया। अब ओवन में कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे, उसके उपरांत जीरा, फिर मेथी दाना, फिर जख्या, अजवाइन, लहसुन की सूखी पत्तियाँ, लहसुन की कलियाँ और कड़ी पत्ता, ये सब हम तेल में डाल देंगे। इसके उपरांत 4 साबुत मिर्च भी इसमें डाल लेंगे, इनको अच्छी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। इसके उपरांत इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और प्याज को अच्छी प्रकार से भून लेंगे। जब प्याज भुन जाए तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, करीब 2 चम्मच धनिया का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल करके इनको अच्छी प्रकार से फ्राई करेंगे। इसके उपरांत इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको मिक्सअप कर लेंगे। मसाले ठीक से भुन जाने के उपरांत इसमें बेसन का घोल डाल लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको घुमाते रहेंगे। अब इसे हल्की आंच में करीब 10 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में करछी की सहायता से घुमाते भी रहेंगे। 10 मिनट के उपरांत इसमें नींबू का रस मिला लेंगे। ये अपनी आवश्यकता के हिसाब से मिलाएंगे कि आपको कितना खट्टा पसंद है। इस प्रकार से स्वादिष्ट नींबू कढ़ी तैयार हो गई है। अंत में इसको कटे हुए धनिया से गार्निश कर लेंगे। आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये आपको मट्ठे या दही की कढ़ी से ज़्यादा बेहतर लगेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें।